हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी किताब से एक्सरसाइज 5, जिसका चैप्टर का नाम है लिंग। यह लिंग क्या है? छोटे बच्चों को सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि वे बच्चे लिंग को ही नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वे सही सही सेंटेंस नहीं लिख पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिंग। तो अब बच्चों ध्यान दीजिए कि लिंग क्या है। तो लिंग क्या है? जिससे स्त्री पुरुष जाति का बोध होता है उसको लिंग कहते हैं। जिससे स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। इस आधार पर हम कहते हैं कि लिंग कितने प्रकार के हुए, तो दो प्रकार के हुए। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। अभी आप समझिए, इसको और अच्छे से समझिए। तो आपके घर में दो विपरीत लिंग के लोग रहते हैं। एक अब जैसे मम्मी है, एक है मम्मी और दूसरे हैं पापा। अब देखिए, ये दोनों, एक को हम मम्मी कहते हैं, एक को हम पापा कहते हैं। ये मम्मी क्या है? ये स्त्री जाति का है, ये स्त्री जाति का है। और पापा क्या है? तो पुरुष जाति का है। इसलिए स्त्री जाति को हम स्त्रीलिंग कहते हैं और पुरुष जाति को हम पुल्लिंग कहते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आपको आ जाएंगे, लेकिन अब इसके आगे कुछ और बातें हैं जो आपको समझनी होगी। क्या समझने लायक बात क्या है? तो अब देखिएगा कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका कि लिंग समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि वह दोनों ही रूप में समान रूप से लिखे जाते हैं। स्त्री के रूप में भी वही शब्द का प्रयोग किया जाता है और पुरुष के लिए भी उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको हम दोनों ही श्रेणी में रखते हैं। हाँ, उसका लिंग जब बदलना होता है तब हमें कुछ नियम और भी याद करने होंगे। अभी आपके उस क्लास में ये बात नहीं बताई गई है आपके किताब में, तो आगे की क्लास में आपको वो समझना होगा। अभी आपको सिर्फ ये समझना होगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके लिंग नहीं बदलते हैं। लिंग बदलने के लिए कुछ नए शब्द को उसमें जोड़ना पड़ता है। अब जैसे अब देखिए, राष्ट्रपति, अगर भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? तो पुरुष हैं। लेकिन इससे पहले कौन थी? तो स्त्री थी। तो दोनों के लिए ही राष्ट्रपति है, तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह शब्द राष्ट्रपति है। उसी तरह से प्रधानमंत्री, उसी तरह से डॉक्टर, उसी तरह से इंजीनियर इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसका रूप नहीं बदलता है, तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। अब आप अपने किताब में देखिए ध्यान से, तो आपके किताब में यहाँ देखिए, आप अपने किताब में पहला प्रश्न है, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग को छांट कर लिखिए। स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग को छांट कर लिखिए। अब इसमें देखिए, अध्यापक, चूहिया, घोड़ा, वाहन, मामा, बकरी, मालिन, बैल, ये सभी शब्द हैं। इसमें से जो शब्द स्त्रीलिंग का है उसको स्त्रीलिंग में लिखिए, और जो शब्द पुल्लिंग का है जैसे चूहिया, वाहन, बकरी, मालिन, ये सभी स्त्रीलिंग का है, स्त्री का शब्द है। मालिन, ये फूल का जो कारोबार करते हैं, जो फूल की खेती करते हैं, माली होते हैं और उनकी पत्नी होती है, मालिन कहलाती है। इसलिए अब इसको आप पढ़िए।